सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने तीन लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन के देख लिए हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन की तरह से हम इसको लेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करिए, फर्स्ट टाइप है, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया था, इस तरीके से वेलोसिटी देके फेंका था पार्टिकल को, है ना। और जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें आपने क्या किया था, ग्राउंड से एक एंगल पे फेंक दिया था, ठीक है। ये अगर ग्राउंड अगर हम सपोज करें, तो ये हमने दो केसेस देख रखे हैं अभी तक। अब मान लीजिए आपसे ऐसा नहीं बोला गया, आपको जो केसेस दिए गए वो इस तरीके के हैं। सपोज आपको इस तरीके से वेलोसिटी देकर फेंकवा दिया गया, और या फिर इस तरीके से वेलोसिटी देकर फेंकवाया गया U1 और U2, ठीक है। तो सपोज़ करिए, मैं अभी केवल नीचे जब मोशन मतलब नीचे की तरफ एंगल करके फेंका गया, तब का सिचुएशन डिस्कस करें। तो मैं मान ले रहा हूँ वेलोसिटी है U और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया। समझ में आया क्या सिचुएशन हम डील करने वाले, मतलब यू वेलोसिटी हमने डाउनवर्ड दी और जो इनिशियल एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड है थीटा डिग्री पर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फेंका गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, सपोज आपसे दो चीज़ें पूछी गई, टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरी चीज़ क्या पूछी गई आपसे, रेंज पूछी गई, ठीक है। आपको ये हाइट दे रखी है h ग्राउंड से, और सपोज़ करिए तीसरी चीज़ ये भी पूछ ली गई, वेलोसिटी विद विच इट रीचेस द ग्राउंड। ये मैं इस पर न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल के जैसा ही इसको ट्रीट कर रहा हूँ, है ना। मैंने वैल्यू यू मान लिया, अब सवाल में आपको यू की जगह 40-50 कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है, और एच की वैल्यू दे देंगे, थीटा की वैल्यू दे देंगे, तो एक सवाल तैयार हो जाएगा। मैं डायरेक्टली सारी वैल्यूज़ के लिए मैं जनरलाइज फार्मूला निकलवा दे रहा हूँ, तो आप अगर ये सीख गए तो फिर सारे सवाल कर पाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मान लीजिए एक पार्ट और दिया है, एंगल विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। आपसे मान लीजिए ये चार पार्ट पूछे गए, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं तो क्या कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स डायरेक्शन का वैल्यूज़ लिखें, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है यू एक्स कितनी है, यू कॉस थीटा, और ए एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, तो वो नहीं है, ज़ीरो। तो ये हम अभी तक डील करते हुए आए, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगी। ऐसे अगर वाई डायरेक्शन की बात करें, तो वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, यू वाई कितना देगी, यह यू साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई कितना है, जी। अब देखिए मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, वैसे माइनस लिखना चाहिए था कायदे से, लेकिन साइन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसा सपोज कर ले रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, है ना। तो ये अपनी चॉइस के अनुसार आप मान सकते हैं कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, फिर अगर आपने एक बार मान लिया सवाल में तो उसी को स्टिक, उस पर स्टिक रहना है, है ना, उस सवाल के लिए। नेक्स्ट सवाल में आप दूसरा कन्वेंशन मान सकते हैं। तो देखिए अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है t टाइम पे, तो x कोऑर्डिनेट t टाइम पे कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कितना हो जाएगा, हाफ, अगर आप यहाँ ओरिजिन मानते हैं तो यहाँ से कितना नीचे जाएगा, हाफ, देखिए u t प्लस हाफ इंटी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो u ज़ीरो नहीं है, तो u sin थीटा इंटू टी लिखेंगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये y और x की वैल्यूज़ आ गई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे पूछा जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप y को क्या रख देंगे, कैपिटल H
ठीक है, और टी को क्या रख देंगे, कैपिटल टी। तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है टी में, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए क्या होगा, टू अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो आएगा टू एच इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये क्या आएगा, जी टी स्क्वायर प्लस टू यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी माइनस टू एच इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखिए टी की वैल्यू डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस टू यू साइन थीटा माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए प्लस साइन लेंगे माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर अगर नेगेटिव हो गया तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो माइनस टू यू साइन थीटा प्लस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर कितना है, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर हो गया। माइनस फोर ए सी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, एट जी एच, ये सब अंडर रूट में है ना, इतना अपॉन टू जी। समझ आया। अब देखिए ये बेकार सा एक्सप्रेशन आया, लेकिन एक्चुअल बात देखें तो यही आंसर है। ठीक है, अभी आपको भाई बस वैल्यूज़ दे दी जाएँ यू और थीटा की और एच की, तो आप ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अच्छा सवाल बनाने के लिए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जाएगा आपको, मतलब ये ऐसा वैल्यूज़ दी जाएंगी ये परफेक्ट स्क्वायर आए, फिर आप इसको सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना। अब जैसे ही आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, देखिए थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है वेलोसिटी विद विच इट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए वी एक्स तो कितना रहेगा, यू कॉस थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, और वी वाई कितना लिखेंगे, आपने टी कैलकुलेट कर लिया होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर रीच करेगा, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, है ना, ये वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वी वाई को लिखने में। वी एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्सप्रेशन को चाहे नहीं, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वी हमेशा यू के बराबर रहेगा। तो वी वाई जब आप लिखेंगे तो यू साइन थीटा प्लस जी इंटू कैपिटल टी, तो आप टी कैलकुलेट कर चुके हैं तो आपको वी वाई भी मिल जाएगा। तो वी नेट इस थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, आप वी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, वी वाई कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरीके के सवालों को, है ना। अब देखिए आपसे चौथा सवाल पूछा गया है, तो फोर्थ पार्ट और ईजी है। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको एंगल पूछा है कितने एंगल पे वो हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस तरीके से हिट कर रहा है, ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो ये कुछ एंगल होगा उसका, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा ये, तो वी नेट का डायरेक्शन जो भी है हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा वो, टेन थीटा बराबर वी वाई बाय वी एक्स। ठीक है, और अभी आपको पता है ऑलरेडी कि एंगल हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड है, तो फिर आप माइनस साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ मेकिंग थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना एंगल बना रहा है, तो ये चारों पार्ट इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको थोड़ा स्पीड से देखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली इस तरीके से ही उसको सॉल्व करना रहेगा। मान लीजिए अभी यहाँ से एंगल पर फेंक दिया, ठीक है, और वही चारों पार्ट पूछे हैं आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये हाइट दे रखी है, ठीक है,
तो इसको दो तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, जब ये मूव करेगा तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, मतलब ये जो इतना जो पाथ होगा, ये तो नॉर्मल ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल हो गया। तो ये इतना टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब T1 अगर मैं इसको बोलूँ तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको, 2u sin थीटा बाई जी, है ना। क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, हम ग्राउंड से फेंकते थे तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब वापस आता था तो तब तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या लिखते थे, 2u sin थीटा बाई जी। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये T2, ठीक है, ये आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। अब देखिए, जितनी वेलोसिटी से यहाँ फेंका है उतनी वेलोसिटी से ये यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जितने एंगल से फेंकते हैं उतने एंगल पे वो ग्राउंड को हिट करता है हॉरिजॉन्टल नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो थीटा एंगल से अगर हम फेंकेंगे ठीक है, तो थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो आपको वेलोसिटी भी पता है यू, और आप कंपोनेंट कर सकते हैं यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, और ये हाइट भी पता है आपको। तो अभी जस्ट हमने जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया वैसे ही आप T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है इस तरीके का सवाल। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ आपको। सपोज़ करिए 37 डिग्री पे ये 10 मीटर्स और ये सपोज करिए 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब फटाफट कैसे कैलकुलेट करना है ये आप तरीका देखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसके कंपोनेंट कर लेंगे, तो कॉस 37 कितना होता है, 4/5। तो ये 5 कॉस 37 इधर कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और ये कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो आपने वेलोसिटी कंपोनेंट कर लिए, तो T1 की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 बाई 10, मतलब 0.6 सेकंड्स, ठीक है। 2 यू साइन थीटा, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड बाई जी, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो T1 आ गया। अब T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो T2 के लिए आपको पता है ये किस तरीके से बिहेव करेगा, कितने एंगल पर टकराएगा, 37 डिग्री पे, ठीक है। अब 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी जब ये टकराएगा, और इधर कितनी होगी, 4, ठीक है। और हाइट आपको 10 दे रखी है। अब देखिए, ये 10 मीटर हाइट कितने देर में चल लेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू टी टू प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी टू का स्क्वायर, यही होगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए, ये इतना डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है वाई डायरेक्शन में, और टाइम कितना लग रहा है, T2। तो यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, यू पूरा मत ले लीजिएगा यहाँ पे, हमने वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिया है यहाँ पे 10, तो वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, 5 नहीं लिया है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 5 टाइम हो जाएगा, तो रीअरेंज करके लिखेंगे 5T2 स्क्वायर प्लस 3T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो T2 की वैल्यू डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ, माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फिर बी स्क्वायर कितना है, 9 माइनस 4AC। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4, 5, 20 एंड 20 इंटू 10 200 अपॉन 10। तो ये लगभग कितना आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, T2 की वैल्यू आ जाएगी √209 माइनस 3/10। समझ में आया। अब देखिए, ये लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये लगभग 14.5 समथिंग आएगा। तो 14.5 माइनस 3 हो जाएगा 11.5। तो 1.15 सेकंड लगभग लगभग आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे आपने T2 कैलकुलेट कर लिया और T1 कैलकुलेट कर लिया, तो नेट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, तो 0.6 प्लस 1.15, तो कितना हो जाएगा, 1.65 सेकंड्स।
ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, तो रेंज निकालना और आसान है। रेंज निकालने के लिए डायरेक्टली यू एक्स इंटू टी कर देंगे, यू एक्स क्योंकि इस डायरेक्शन में रेंज होती है, तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.65, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछे जाते हैं। मतलब अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर दिया है, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, मतलब ये जगह जगह पर यूज़ होगा, है ना। तो आज हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ। ये देखिए फिजिक्स में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपको अच्छे से आए तो आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगी। उसमें सबसे पहला है वेक्टर, दूसरा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब मैथमेटिकल टूल्स बेसिकली, और तीसरा है ये रिलेटिव मोशन। ये तीन चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं, और एक और आएगा आगे जाके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो ये तीन या चार चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो फिजिक्स आपको बहुत इजी लगेगी। तो ये इट इज़ वन ऑफ देम, तो आप कोशिश करिएगा कि आप एकदम अच्छे से इसको समझ लें, है ना। तो सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन इन 1D देखेंगे। तो अभी आपको फील सारी रिलेटिव मोशन की 1D में ही आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा 1D पर नहीं आते हैं, 2D पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले आपको रिलेटिव मोशन का मतलब समझा रहा हूँ। अब देखिए रिलेटिव का मतलब है कि हम मोशन को एनालाइज कर रहे हैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर चेंज कर देंगे तो फिर मोशन रिलेटिव हो जाएगा, है ना। एब्सोल्यूट मोशन कोई भी नहीं है, सारे मोशन जितने भी हम पढ़ते हैं वो क्या है, रिलेटिव है। जैसे अगर हम बात करें तो अर्थ, अगर आप बोलें कि मतलब अर्थ को बोलें स्टेशनरी है या मूविंग है, तो आप क्या बोलेंगे, अर्थ इज़ मूविंग, क्योंकि आपको थ्योरेटिकली पता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो हमें तो रुकी दिखती है ना। तो फिर अब हमारे लिए अर्थ रुकी हुई है, लेकिन कोई दूसरा प्लैनेट पे से कोई अगर अर्थ को देखेगा तो उसको मूव करती हुई दिखेगी, ठीक है। तो मोशन इज़ रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो जब भी मोशन की बात होती है तो हमेशा हम रिलेटिव मोशन ही स्टडी करते हैं, क्योंकि हमेशा हम एक ऑब्जर्वर के रेफरेंस में बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करिए ये एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, ठीक है। और ये सपोज़ करिए ऑब्जर्वर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट्स से एक्स ए है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज करिए एक्स बी है, ठीक है। तो अब देखिए एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन, ठीक है। तो अगर आपसे, अब देखिए मैं कुछ नोटेशन समझाऊंगा आपको, अगर मैं पूछूं आपसे पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, तो पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, एक सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं, तो वो कैसे, वो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, एक्स ए, अब विद रेस्पेक्ट टू ओ, तो इस तरीके से स्लैश लगा के हम ओ लिखते हैं। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ऐसे ही पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ कितना लिखेंगे, एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। अगर देखिए कहीं पर सिर्फ एक्स ए लिखा हुआ है या फिर एक्स बी लिखा हुआ है, जब अगर वो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सही शब्द तो एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू ओ है, और यहाँ पर बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। अब देखिए अगर सिर्फ एक्स ए या एक्स बी लिखा हुआ है तो आपको इससे क्या समझ में आएगा, इसका मतलब ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से देख रहा है। कई बार इस ग्राउंड को हम लैब फ्रेम भी बोल देते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम, ठीक है। अगर सिर्फ एक्स ए या एक्स बी लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए ग्राउंड या अर्थ से देख रहा है ऑब्जर्वर, लेबोरेटरी फ्रेम से, ठीक है। जब भी ऑब्जर्वर आपको नहीं मेंशन किया गया तो आप क्या मानेंगे, ये मतलब क्या दिया हुआ है आपको, पोजीशन या फिर वेलोसिटी या फिर जो भी चीज़ दी गई है, तो आप मानेंगे कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी गई है, ठीक है। तो
अगर मैं अभी पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ मैंने पूछा, तो आपने क्या लिखा, एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। ऐसी पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्या आपने लिखा, एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ओ, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या आप लिखेंगे, तो आप जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि ये में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी, और क्योंकि ए से राइट साइड में तो हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस है और प्लस साइन यूज़ करेंगे। और अगर पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा जाता तो डिस्टेंस तो ये है लेकिन बी के लेफ्ट में, तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करके लिखेंगे। तो इसको क्या फाइनली लिखेंगे, एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, अब देखिए की पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, जब भी आपको पोजीशन या फिर कोई, अभी मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो मैं पोजीशन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपको किसी की पोजीशन लिखनी है और जिसके रेस्पेक्ट में लिखनी है, तो उसका आपके पास फॉर्मूला क्या आया, पोजीशन ऑफ, अभी ओ मान लीजिए ग्राउंड पर है, सपोज करिए ओ इज एट ग्राउंड। ठीक है, ओ ग्राउंड पर है, तो फिर आप, अगर आपसे पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछा गया तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसको ऐसा भी, अगर मैं ओ को ग्राउंड बोल दूं तो मैं अगर ओ नहीं भी लिखूंगा तो, मैंने अभी ये बताया सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड, तो उसको स्पेसिफाई करें या नहीं करें बात एक ही है ना, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, आपको पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पता चल गई, एक्स बी माइनस एक्स ए। ऐसी पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना है, एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। आपको अगर बी की पोजीशन चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी विद रेस्पेक्ट टू ए चाहिए तो बी माइनस ए करेंगे, ए विद रेस्पेक्ट टू बी चाहिए तो ए माइनस बी करेंगे। समझ में आया, ऐसे कोई राम विद रेस्पेक्ट टू श्याम चाहिए होगा तो पोजीशन ऑफ राम माइनस पोजीशन ऑफ श्याम, जो पहले आएगा उसकी पोजीशन पहले, जो बाद में आएगा उसकी पोजीशन बाद में। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसी फार्मूले को अगर मैं थोड़ा फोकस करूं तो देखिए इसके बारे में और क्या चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये मतलब इसका क्या आंसर आया, एक्स ए माइनस एक्स बी। अब देखिए इसी बात को सवालों में या फिर टर्मिनोलॉजी में कितनी तरीके से और बोला जा सकता है वो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, है ना। तो देखिए आपको इसका मतलब मैंने पहला क्या बताया, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यही है इसका मतलब। अब देखिए इस चीज़ को और कितनी तरीके से बोला जा सकता है ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी, पोजीशन ऑफ ए अपीयरिंग टू बी, पोजीशन ऑफ ए फॉर बी, या फिर पोजीशन ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी। ठीक है, या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए फॉर ऑब्जर्वर एट बी। इन पांच छह सब चीज़ों का मतलब सेम है, ऑल मीन्स सेम। ठीक है, मतलब एक की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, इस वाले टर्म को आप कितनी तरीके से बोल सकते हैं, इन पांच तरीके से और बोल सकते हैं, एज सीन बाय बी, अपीयरिंग टू बी, फॉर बी, इन फ्रेम ऑफ बी, फॉर ऑब्जर्वर एट बी। ठीक है, ये सारा एक ही मतलब है इनका। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। आपको ये बात पढ़कर समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक चीज़ लिखी हुई है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको ये वैल्यू दी गई है एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इज़ इट क्लियर?
तो आप देखिए, ठीक है ये मैंने बात बता दी, अब देखिए अब इस इक्वेशन को ही हम थोड़ा और एनालाइज करते हैं। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको याद है dx बाई dt क्या होता था, इसको हम वेलोसिटी बोलते थे, है ना, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो फिर dx a विद रेस्पेक्ट टू b बाई dt इज इक्वल टू डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाय डी टी। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी या फिर इन फ्रेम ऑफ बी या सीन बाई बी या अपियरिंग टू बी या ऑब्जर्व्ड बाई बी या फिर फॉर बी, ठीक है, इन सब का एक ही मतलब है, मतलब बी से बी में जो ऑब्जर्वर है उसको एक ही वेलोसिटी क्या दिखेगी, समझ में आया। अब इसको अगर मान लीजिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में इसी इक्वेशन को, तो आप याद करिए डी वी बाई डी टी क्या होता था, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ए ए माइनस ए बी, ठीक है, समझ में आई बात ये। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पता चल गया। अब देखिए मैं ज़्यादा चर्चा केवल वेलोसिटी पे करूँगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वेलोसिटी के लिए हम सीखेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन और पोजीशन के लिए भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सवाल वेलोसिटी पे पूछे जाते हैं, हालांकि सेम कॉन्सेप्ट तीनों वेक्टर्स पे यूज़ होंगे, एक्स पर, वी पर और ए पर। तो हम सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे इस वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी की, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, मतलब बी ऑब्जर्वर को ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, बी ए माइनस बी बी। अब आप अगर ध्यान से इसको देखें, ये बेसिकली वेक्टर्स हैं सारे के सारे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो देखिए अब इससे एक बात हम डिराइव कर सकते हैं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ए ही पूछ दूँ तो आप क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से, जो पहले आता है उसकी वेलोसिटी, जो बाद में आता है माइनस उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या निकाला, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ए ये कितना आया, ज़ीरो। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी की वेलोसिटी हम उसी के रेस्पेक्ट में देखें तो वो हमेशा ज़ीरो आती है। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल, जैसे आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो कार में आपको सारे पर्सन रेस्ट पर दिखते हैं, है ना, कार के अंदर वाले सारे पर्सन, क्यों, क्योंकि आप मतलब जिस चारों के चारों एक ही फ्रेम में कार में, तो कार के अंदर की कोई भी चीज़ अगर आप मतलब देखेंगे तो आपको वो ज़ीरो पर दिखाई देती है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, आप जिस भी रेफरेंस फ्रेम में हैं, रेफरेंस फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर कोई जहाँ पर बैठता है, मैंने आप रेफरेंस फ्रेम मोशन जब शुरू हुआ था तब बताया था, तो आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में हैं, अगर आप उस फ्रेम में आ जाएं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है। आप जिस फ्रेम में एंटर कर जाएंगे उस फ्रेम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारी वेलोसिटी आपको क्या दिखेंगी, ज़ीरो। तो आप लिख सकते, यहाँ पर लिखा जा सकता इन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल पार्टिकल्स आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सेम फ्रेम एज लॉन्ग एज
द मोशन इज ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल का मतलब आप ऐसा समझिए केवल वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसा इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। अभी के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप इसको बोल सकते हैं। इसका डिटेल मीनिंग में रोटेशन चैप्टर एक हम पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी के फ्रेम में एंटर कर जाते हैं तो उस फ्रेम में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब रेस्ट पर दिखाई देंगी। जैसे हम अर्थ पर हैं तो हमें मतलब अगर हम अर्थ के फ्रेम में हैं तो अर्थ के फ्रेम में, या फिर इसका और अच्छा एग्जांपल अर्थ छोड़िए, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कार वाला जो दिया उससे आप इजीली समझ सकते हैं। आप कार के फ्रेम में हैं तो कार के फ्रेम में चारों के चारों एक ही ओरिजिन पर है, ठीक है। तो चार बंदे अगर बैठे तो चारों की वेलोसिटी हमें जीरो दिखती है क्योंकि हम उसी के फ्रेम में एंटर कर गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस VA माइनस VB को और थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज करिए ये दो ट्रॉलीज हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, बी पर, मतलब ऑब्जर्वर इज एट बी, ठीक है, ऑब्जर्वर बी पर है, यह ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर अगर बी पर आ गया तो उसको B की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, जीरो। तो मतलब अब हम किस किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जर्वर इज एट B, जब B पर होगा तो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, जीरो। ये अभी अभी मैंने जस्ट बताया आपको, क्योंकि आप उसी के फ्रेम में, तो आपको B रेस्ट पर दिखेगा, है ना। जैसे हम बस में बैठ जाते हैं तो हमें बस रेस्ट पर दिखती है, हालांकि बाहर की खिड़कियां वगैरह से बाहर देखते हैं तो हमको लगता है मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप अंदर ही देखते रहें, सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो आपको लगेगा हम रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो और ए की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो कितनी हो जाएगी। अब देखिए, उसका हमने फार्मूला ऊपर लिख रखा है, क्या होगी वो वी ए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, यही लिखेंगे। अब देखिए, वी ए वैक्टर कितना है, 5 प्लस 5 है, माइनस वी बी वैक्टर कितना है, 10 प्लस 10, तो कितना आया ये, माइनस 5। तो बेसिकली सिचुएशन क्या हुई, ये अगर मैं फ्रेम बनाऊँ, बी फ्रेम, बी फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर बी पर देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, है ना, बी के फ्रेम में क्या क्या चीज़ें उसको दिखेंगी, उसको बी रेस्ट पर दिखेगा, मतलब जो ये जो ट्रॉली है जिस पे ऑब्जर्वर बैठा है ये मूविंग नहीं लगेगी, ये रेस्ट पर दिखेगी जो बी है, और जो ए वाली ट्रॉली है, ए ट्रॉली जो है वो माइनस 5 मतलब इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखेगी, ऐसा आप देख पा रहे हैं। देखिए, बी रेस्ट पर दिखेगा और ए जो है 5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और आपके पीछे कोई पर्सन है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आपकी स्पीड ज़्यादा तेज है, तो आपका सेपरेशन टाइम के साथ ए के साथ इंक्रीज़ करेगा, है ना, आपकी दूरी ए से टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब अगर आप बी में हैं तो ए आपसे दूर जाता हुआ दिखना चाहिए, तो देखिए वही एक्चुअल में हो रहा है ना, थोड़ा फील करने वाली बात है, अगर आप फील करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये क्या मतलब है इसका, ठीक है। ऐसे ही अगर आप उल्टा सोचते, मतलब व्हेन ऑब्जर्वर, अभी हमने बी पे बिठाया, अब मान लीजिए ए पे ऑब्जर्वर बिठाएं तब क्या होगा, तो देखिए आपको एक बात तो याद रखनी है, आप जिस भी फ्रेम में आ जाएंगे वो आपके लिए रेस्ट पर हो जाएगा, है ना। तो चलिए, अब ऑब्जर्वर में ए पर बिठा देता हूँ, तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या होगा। देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए
सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आपको बताना है, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ए पर, तो विद रेस्पेक्ट टू हम कहाँ देख रहे हैं, ए पे, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए कितना होगा ये, वी की वेलोसिटी कितनी है, प्लस 10 माइनस प्लस 5, यही है, तो कितना आया 5, तो इसका मतलब क्या होगा, ए फ्रेम में कैसा होगा, ए फ्रेम में कैसा होगा, ए जो ट्रॉली है वो रेस्ट पर दिखेगी, और जो बी ट्रॉली है ये प्लस 5 इधर 5 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखेगी, मतलब ए वाला बंदा है उसको ऐसा लगेगा बी उससे 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। अब देखिए ये तो आपने तरीका इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है ना, ये फार्मूला आपको जब पता होगा तब आप ये कैलकुलेट करेंगे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और हम डायरेक्टली बता पाएँ, मतलब ये कैलकुलेशन हमको ना करनी पड़े और डायरेक्टली ओरली हम देखकर ही बता पाएँ कि कितनी वेलोसिटी होगी इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं समझाऊंगा आपको, ये अगर आपको समझ में आया तो हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी आपको लगभग लगभग पूरी समझ में आ जाएगी, हम जगह जगह इसी चीज़ का एप्लीकेशन बार बार करेंगे। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा हाउ टू एंटर इन समवन्स फ्रेम, किसी के फ्रेम में कैसे जाते हैं ये हम सीखेंगे, है ना। तो देखिए ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये बी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो फिर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही बोलते हैं। अब देखिए इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, तो बेसिकली जब आप ये कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, बी पर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो आप बी के फ्रेम में कैसे जाएंगे। देखिए ऑब्जर्वर बी पर का क्या मतलब, आप बी के फ्रेम में जा रहे हैं, है ना, तो बी के फ्रेम में कैसे जाएंगे, बी को तो आप रेस्ट पर कर दीजिए क्योंकि आप बी के फ्रेम में चलेंगे तो बी तो रेस्ट पर हो जाएगा। फिर आपको ए की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, ये आप अभी तक तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते थे, सपोज करिए आपको बिना फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है, बिना फॉर्मूले के, ठीक है, किसी के फ्रेम में कैसे जाते हैं ये मैं बता रहा हूँ, जिसके फ्रेम में आप जाएंगे वो तो रेस्ट पर आ जाएगा, और दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे। देखिए जब आप वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो बेसिकली ये दो वेक्टर्स का सम है, एक तो वी ए वो तो ऑलरेडी 5 है ना, और एक माइनस वी बी, तो वी बी है प्लस 10 लेकिन माइनस वी बी किधर होगा, इधर, ठीक है, ये क्या है माइनस वी बी और ये क्या है वी ए, समझ में आया। तो 5 और 10 तो कितना आया वेलोसिटी नेट, 5 इधर, तो मतलब ये सिचुएशन हुई, ये ए पार्टिकल ए 5 से इधर जा रहा है, बी रेस्ट पर है, ये क्या हो गया बी फ्रेम। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम अभी भी कर रहे थे। देखिए इसको आपको मैं सिखाता हूँ कैसे, ये मतलब इजी तरीका है इस चीज़ों को कैलकुलेट करने का, आप जिसके फ्रेम में आ जाएं उसको को तो रेस्ट पर कर दीजिए, और दूसरे में आपने क्या किया, देखो 5 तो एडिटेज है, 10 को उल्टा करके ऐड किया, तो आप क्या करेंगे, आप बी के फ्रेम में आ रहे तो आपको माइनस बी भी ऐड करना है। माइनस वी बी का मतलब है आप जिसके फ्रेम में जाएंगे उसकी वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर पोजीशन जो भी चीज़ है वो सब उल्टे डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये 10 प्लस में, तो हमने यहाँ माइनस वी माइनस 10 में ऐड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 10 ऐड कर दिया, समझ में आया। अगर मान लीजिए सी इधर चल रहा होता, सी की वेलोसिटी होती 5 इधर, तो अगर आपसे पूछा जाता वी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो विद रेस्पेक्ट टू बी है, तो आप क्या करेंगे, सी की वेलोसिटी 5 इधर है, आप 10 इधर जोड़ देंगे, तो कितना होगा 5 इधर, मतलब ओरली आप बता सकते हैं। मतलब अगर आपसे ओरल पूछा जाए कि बी के रेस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आँख बंद करके बी को तो रेस्ट पे कर देंगे और इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, 10 और 5, तो 5 इधर, मतलब सी इधर 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। ये अभी मैं वन डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये कभी भी आपको रिलेटिव मोशन आगे टू डायमेंशन भी आ जाए, थ्री डायमेंशन भी आ जाए, आप यही चीज़ करेंगे, आप जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक
एक और एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। देखिए अभी तो ये वन डायमेंशन है, हम टू डायमेंशन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब अभी मैं टू डायमेंशन का बस एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए बी जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से और सी जा रहा है ऐसे, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा जाए वी वी विद रेस्पेक्ट टू सी बताइए, तो आपको मैंने अभी क्या बताया, ये अभी देखिए सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो कहाँ पर है ऑब्जर्वर, सी पे, तो मतलब सी तो रेस्ट पर आ जाएगा, तो सी रेस्ट पर आ गया। अब बी की वेलोसिटी सी को कितनी दिखेगी, बी को कितनी मतलब सी को बी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, देखिए 5 तो उसकी ऑलरेडी है और मैंने बताया जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, तो 5 ऊपर है तो यहाँ पर 5 इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो ये बी हो गया। तो ये किसका फ्रेम बनाया आपने, सी फ्रेम, ठीक है, आपने सी फ्रेम बनाया, मतलब सी के फ्रेम में बी ऐसे चलता हुआ दिखेगा, मतलब इसकी नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी आएगी, ये हम पैरेललोग्राम लॉ से बता सकते हैं, 5√2 मीटर पर सेकंड से। मतलब इसको और नीटली बनाएं तो सी रेस्ट पर होगा और बी जो है ऐसे 5√2 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखेगा, और क्योंकि ये दोनों 5 है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो मतलब 45 डिग्री पे सी ऐसे है बी ऐसे, ये बी 45 डिग्री पे जाता हुआ दिखेगा। तो आपको ये क्रक्स बात समझ में आनी चाहिए, आप जिसके फ्रेम में जाएंगे उस फ्रेम की वेलोसिटी एक्सेलरेशन दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है, ठीक है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। ये अगर आप सीख गए तो रिलेटिव मोशन पूरा बस यही है, बार बार मैं ऐसी चीज़ को रिपीट करते रहूँगा, कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो समझेगा कि बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, और कोई मूर्ख है वो क्या समझेगा बार बार ये सेम क्या अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उसको हर चीज़ अलग लगेगी, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में है। अब इसका एक बस क्वेश्चन लेके मैं समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस पर। एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज करिए मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये सिंपल सवाल लेते हैं एकदम बेसिक सवाल, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मान लीजिए समय 0 पर ये 100 मीटर की दूरी थी, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जाए एट टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, ये मान लीजिए सवाल दिया गया। तो देखिए अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए जितने भी सवाल हम सॉल्व करते हैं वो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं और रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इजी तरीका है, कई सवालों को आसान कर देता है रिलेटिव मोशन। आप रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सवाल को एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें चल रही हैं, आपसे पूछा है कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 10 सेकंड्स, ठीक है, तो अगर आप एक को रोक देंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे रोकेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों चल रहे हैं रोक कैसे देंगे, तो मैंने अभी बताया अगर आप किसी के फ्रेम में चले जाते हैं तो वो रेस्ट पर आ जाता है, तो आप किसी एक को रोक दीजिए। सपोज़ करिए मैं इस ए को रोक देता हूँ, ये ए और ये बी, तो ए को रोक देंगे तो ए 0 पर आ जाएगा और बी की वेलोसिटी कैसे, 10 इधर और 5 इधर, क्योंकि ए की वेलोसिटी 5 इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे इस पर, तो नेट वेलोसिटी बी की कितनी हो जाएगी, 5 इधर, मतलब क्या तरीका क्या सिचुएशन होगी, ए को बी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जाते हुए दिखेगा, ये सिचुएशन होगी। तो शुरुआत में सेपरेशन कितना है 100 मीटर, तो एट 10 सेकंड पे कितना सेपरेशन होगा, ए बी ए तो रेस्ट पर है सिर्फ बी चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 10 सेकंड्स में कितना चल लेगा ये 5 × 10 मतलब 50 मीटर और चल लेगा, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा 100 + 50 मतलब 150 मीटर, दिस इज़ आंसर। अब देखिए ओरल आपने सॉल्व कर दिया, अगर आप नॉर्म वैसे सॉल्व करते तो आप क्या करते 10 सेकंड्स के बाद इसका दूरी निकालते, फिर 10 सेकंड्स के बाद इसकी भी दूरी निकालते और फिर आप मतलब सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, मतलब नेट दूरी दोनों की चेक करते हो फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, थोड़ा लेंदी होता,
लेकिन रिलेटिव मोशन से आप ओरली बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। क्वांटिटीज दैट रिमेन सेम ऑन चेंज ऑफ फ्रेम। तो पहले मैं इस साइड लिख रहा हूँ क्वांटिटीज दैट चेंज और क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज। जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने 150 मीटर आंसर निकाला, वो किसके फ्रेम में निकाला? ए के फ्रेम में। तो आप सोच रहे होंगे ये तो ए के फ्रेम में आंसर आया है, हमसे पूछा गया ग्राउंड फ्रेम में, है ना। सवाल में पूछा गया कि 10 सेकंड के बाद सेपरेशन बताइए, तो सेपरेशन आपको ग्राउंड में ऑब्जर्वर नहीं बताया गया, तो आप क्या समझेंगे कि ग्राउंड के फ्रेम में सेपरेशन पूछा है, है ना, बाई डिफ़ॉल्ट। तो लेकिन मैंने जो ए के फ्रेम में आंसर आया वही वही ग्राउंड फ्रेम में भी मान लिया, तो ऐसा कैसे कर दिया? तो देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हर फ्रेम में सेम रहती हैं, जैसे क्वांटिटी दैट चेंज। चेंज कौन कौन सी होती हैं? वेलोसिटी चेंज होती है, अभी अभी हमने पढ़ा। पोजीशन चेंज होती है, ये भी पढ़ा। एक्सलरेशन भी चेंज होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वांटिटीज़ पढ़ी केवल मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, बाकी की क्वांटिटी जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे आगे और चैप्टर पढ़ेंगे तब तो हम सीखेंगे, है ना। अब देखिए वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, और अब अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, ये चेंज होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ये मूविंग है, लेकिन इसके फ्रेम में देखेंगे तो ये रेस्ट पर है ना, क्योंकि 5 इधर ऐड करेंगे तो रेस्ट पर हो जाएगा। तो ए के लिए तो ये रेस्ट पर है, तो ये कभी चलेगा ही नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट पर है, ग्राउंड वाले पर्सन के लिए डिस्प्लेस हो रहा है और इसके लिए ये डिस्प्लेस बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज चेंज होती है। चेंज क्या नहीं होता है? जैसे टाइम है, टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स आप कुछ भी कर लीजिए चेंज नहीं होगा, मतलब किसी भी फ्रेम में चले जाए। जैसे बिल्कुल ऐसी बात हुई, जैसे ये एक पॉइंट है ए, तो अगर आप एक्स वाई एक्सेस यहाँ बनाते हैं तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, अगर एक्स वाई एक्सेस यहाँ बनाते हैं तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, तो पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं दो पार्टिकल बना दूँ ए और बी, तो आप कहीं पे भी ग्राफ बना लीजिए ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है किसी पे, तो ऐसा नहीं दूसरे फ्रेम में चले जाएंगे तो 10 न्यूटन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स सेम रहता है, फोर्स चेंज नहीं होता है। हालांकि मैं स्पेशल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल जो फोर्स आपको दिया गया 10 न्यूटन लग रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी आप ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो आप किसी के भी फ्रेम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन टू पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल हैं ए और बी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज अगर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप तीसरे सी के फ्रेम में चले जाएंगे तो ए की विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो वही रहेगी अभी भी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, अगर आपको ये चीज़ें पूछी जाएँ तो आप किसी के भी फ्रेम में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम, सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, फोर्स एंड रिलेटिव वेलोसिटीज, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। चलिए दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज करिए ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये
10 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहे, और ये सेपरेशन है मान लीजिए 100 मीटर्स। तो आपसे पूछा गया कि कितने समय के बाद ये लोग मीट कर जाएंगे और किस जगह पर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई लैंडमार्क है, मान लीजिए ए, यहाँ से कितनी दूरी पर ये मीट करेंगे और कितने समय के बाद मीट करेंगे, ये आपसे पूछा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कितने समय के बाद मीट करेंगे तो बहुत सिंपल है। तो देखिए ए के फ्रेम में आ जाइए तो ए रेस्ट पर आ जाएगा, और बी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, देखिए 10 ऑलरेडी इधर है इसकी और 5 आप अपोजिट डायरेक्शन में और ऐड करेंगे तो नेट कितनी हो जाएगी 15। तो मतलब ए के फ्रेम, इस वाले पर्सन के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। चलिए ये सेपरेशन 105 मीटर ले लेते हैं, अच्छा आंसर आएगा। तो आपसे पूछा गया कि कितने समय के बाद ये मीट करेंगे, तो देखिए ये तो रुका हुआ है और ये इतने से आ रहा है, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तब दोनों मीट कर जाएंगे। तो टाइम कितना होगा 105, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 105 अपॉन स्पीड कितनी है 15, तो कितना आया 7 सेकंड्स। मतलब आफ्टर 7 सेकंड्स दे विल मीट, ठीक है। और 7 सेकंड के बाद अगर मीट करेंगे तो देखिए आप कितना कहाँ मीट करेंगे ये आप इजीली निकाल सकते हैं, 7 सेकंड में ये कितना चल जाएगा 35 मीटर्स, और ये कितना चल जाएगा 10 × 7 = 70 मीटर्स। तो देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 35 × 70 = 105। तो मतलब यहाँ पर मीट करेंगे आफ्टर 7 सेकंड्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, इस लेक्चर को आप बार बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कई जगह काम में आएगा। तो बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।